19 नवंबर को तुर्की से इंडिया आने वाली कार्गो शिप गैलेक्सी लीडर को यमन के रिबेलियन ग्रुप हुतीस ने, जो कि प्रो हमास सपोर्टर है, इजरायली शिप समझकर हाईजेक कर लिया। हालांकि इन लोगों ने मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में गलत शिप धर ली इसराइल को झटका देने के चक्कर में, क्योंकि ये शिप ब्रिटिश कंपनी की थी और इसराइल से इस शिप का कोई भी कनेक्शन नहीं था। ये बात खुद इजरायली डिफेंस फोर्स ने ट्वीट करके कही है। दोस्तों, हुतीस रिबेल्स के बारे में आपको बता दूं, जिस तरह से अफगानिस्तान की गवर्नमेंट पर तालिबान ने कब्जा किया, उसी तरह से यमन के अंदर ये लोग वहां की गवर्नमेंट को गिराकर खुद कब्जा करना चाहते हैं। इन लोगों ने इस शिप को हाईजेक करके 25 लोगों को होस्टेज बनाया और काफी देशों को गुस्सा दिलाया है। इस हाईजेक के जवाब में इंटरनेशनल रेस्पॉन्स होना चाहिए और बहुत ही तगड़ा झटका देना चाहिए इन हुतीस को, क्योंकि इस तरह से तो ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ेगी और कल को कोई और ग्रुप भी हाईजेक करके किसी देश को प्रेशर में डालेगा तो डर के मारे फिर कई देश ट्रेड करने से ही डरेंगे।